हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आईटी सर्विसेज पर। दोस्तों, आज की जो अपडेट है थोड़ा खास है, वीडियो में शुरू से तक बने रहे, कंप्लीटली देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरी बात आपको वीडियो में मैं करता हूँ। सबसे पहले चीज़ की दोस्तों, आपने अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म अगर भरा होगा तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब स्कॉलरशिप भरना है, स्कॉलरशिप का फॉर्म को ध्यान रखना है, इस पे मैं क्या कह रहा हूँ मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। एक मेरे सामने एक फॉर्म खुल गया है, आप फॉर्म देख सकते हो कि यहाँ पर जो संस्था से अग्रेषण का मामला स्थिति है वो आपको यहाँ पर चेक करना होगा। आपको अपने स्टेटस को जाकर, क्या नाम है, आपको अपनी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके स्कॉलरशिप जो है इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आप उसके जरिए यहाँ से चेक करेंगे तो आपको उसके जरिए मालूम होगा कि आपके फॉर्म को संस्था से भेजा गया या नहीं भेजा, क्योंकि पिछली बार भी बहुत से लोगों का स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वेरीफाई नहीं किया गया था। ये कहा गया कि नहीं आपने फॉर्म जमा नहीं, जबकि आप पहले से इन चीज़ों को चेक कर लीजिए कि आपका हो रहा है स्कॉलरशिप की। अभी जो है शायद वेबसाइट थोड़ा सा इशू कर रही है दोस्तों, देख सकते हैं कि आज की इसकी जो वेबसाइट है वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम कर रही थी। तो अभी ये खुला नहीं है फॉर्म और यहाँ पे जाके सारी चीज़ें करनी है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप अपना फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद जहाँ से प्रिंट आउट फाइनल निकालते हैं वहाँ पर जाकर आपको अपनी स्कॉलरशिप के जो है स्टेटस को चेक करना है। लेकिन अभी ये वेबसाइट इशू कर रहा है तो मैं आपको जो है इसको दिखाता हूँ। लेकिन एक बात और बता दूँ कि आप में से बहुत से लोग कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर एक अपडेट मैं आपको दे दूँ यहाँ पर कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है मानार्टी को छोड़कर, ठीक है, मानार्टी को छोड़कर और प्लस उसके बाद जो है जनरल कैटेगरी को छोड़कर, इसमें जो है इनकी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगी। ये बात का आप ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ जो लगेगा वो ओबीसी, ठीक है। मानार्टी में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं मानार्टी के हैं, यानी यहाँ ओबीसी के बारे में बोल रहा हूँ, ओबीसी सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओबीसी जो जैसे इनका वो है जो ओबीसी का फॉर्म भरते अल्पसंख्यक को छोड़कर, अल्पसंख्यक यानी मानार्टी का फॉर्म छोड़कर उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इनका लगेगा प्लस एससी का लगेगा। लेकिन मानार्टी में अगर आपने अपना फॉर्म डाला है स्कॉलरशिप का, ठीक है, और जनरल में डाला है तो आपका जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं लगेगा, ये इस समझ लीजिए। यानी आपका जो यहाँ पर क्या नाम कॉस्ट सर्टिफिकेट है ये नहीं लगेगा, ये गलत है। आप जब भी कभी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने में, ठीक है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में वहाँ पर जो है आपसे फॉर्म भरने में कभी नहीं मांगेगा। मैं ये आप देख सकते हैं कि एक जो है फॉर्म है मेरे पास और इसमें जाति और आय का विवरण है। यहाँ पर अगर जाति आपकी मांग रही है तो जाति आपकी लगेगा, ठीक है। आय अगर है तो आय का प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपका यहाँ जाति नहीं लिखा हुआ है, यहाँ जाति ब्लैंक है, तो आपको कोई भी जाति का प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। वो फॉर्म भी मैं आपको दिखा, आप यहाँ देख सकते हो कि ये मराठी के फॉर्म है, मैंने वो जो अदर कास्ट का था तो यहाँ पे अगर मराठी के हैं तो आपका यहाँ पर शो नहीं करेगा। कोई भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, अगर कास्ट सर्टिफिकेट देना होता तो यहाँ डिटेल आपसे रिक्वायरमेंट जरूर करता। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा लड़के परेशान है कि उनसे बहुत से कॉलेज वाले इसको रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो आप किस सवाल से कर सकते हैं कि जब हम जर्नल में हैं या मराठी हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम यहाँ पर क्यों भरे, मतलब किस लिए भरा जाए? तो ये चीज़ें जो है आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए, समझ में आप मेरी बात लगता है आपको आ गई होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है जर्नल और माइनॉरिटी को छोड़कर बाकी ओबीसी और एससी जो भी हैं, ठीक, ओबीसी और एससी जो भी हैं उनका यहाँ पर जो है ये लगेगा। और आपको अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आपको स्टेटस जो है अभी वेबसाइट शायद जो है दोस्तों अपने स्टेटस जो है इसको खोल के उसको चेक कर लिए कि आपका फॉर्म जो है फॉरवर्ड किया गया है कि नहीं किया गया, क्योंकि फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होता है तो फिर मतलब जो है आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती। ये बात आप जरूर इसको चेक करके और वो सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि इसको फॉरवर्ड करना मस्ट है, कॉलेज से फॉरवर्ड होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वेबसाइट का थोड़ा सा इशू अभी खुल नहीं रही है, नहीं वरना मैं आपको दिखाता, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।